हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक छोटा सा बगीचा बगान में खड़ा हूँ, मेरे गांव में लगाया गया है। तो आज हम इसे ही देखने आए थे, यहाँ पे कई तरह के पेड़ पौधा लगाए गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं ये आम का, और छोटा है, 3 4 दिन 5 दिन पहले इसे खरीद करके अपने पैसे से लगाया गया है। इस खेत के जो मालिक है उसके द्वारा लगाया गया है। साथ ही साथ नीचे आप देख रहे हैं कुछ साग सब्जी भी लगाए हैं, मिर्च लगाया गया है। उसके अलावा इसमें और कई तरह के पेड़ पौधा लगाए गए हैं जो काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है पर्यावरण के दृष्टि से। साथ ही साथ जो इसे लगाए हैं उससे आर्थिक रूप से भी इन्हें काफी फायदा मिलेगा। आगे चल करके इस पेड़ से फल मिलेंगे, उसके अलावा लकड़ियाँ मिलेंगे। आप जानते हैं कि एक वृक्ष से क्या क्या फायदा होता है। आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ और वृक्ष। जैसा कि आगे मैं बढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक कटहल का वृक्ष लगाया गया है इस बगीचा में। लगभग इस बगीचा का अगर क्षेत्रफल आपसे कहा जाए तो 5 से 6 कट्ठा में लगाया गया है इस बगीचा को, और बहुत ही अच्छा है मेरे अनुसार, मेरे व्यक्तिगत राय के अनुसार। इसमें और कई तरह के पेड़ पौधा अभी लगाए जाएंगे। फिलहाल अभी आम और कटहल के वृक्ष लगाए गए हैं, इसके अलावा नीचे सब्जियां की गई है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, आगे मैं आपको आगे के कैमरा से दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या और चीज लगाए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस बगीचा के अंतर्गत सबसे पहले मैं आप लोगों को आम का वृक्ष दिखा रहा हूँ जो लगाया गया है और अभी काफी छोटा है। नीचे देख रहा हूँ कुछ साग सब्जियाँ भी लगाए गए हैं। यह है आम का वृक्ष, इसमें और कई तरह के वृक्ष लगाए गए हैं। एक बगान लगाया गया है हम लोगों के गांव में, पेड़ पौधा रोपा गया है, पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी अच्छा है और इसके व्यापार और बिजनेस के दृष्टि से भी काफी अच्छा है। ये पेड़ बड़े होंगे तो ये फल खाएंगे और इसी पेड़ को बेच करके पैसा भी अर्न करेंगे, साथ ही साथ लकड़ी का भी ये लोग लुत्फ़ उठा ले पाएंगे। और लकड़ी से बनने वाले जितने भी सामान होते हैं वो सभी सामान का उपयोग ये कर पाएंगे। अच्छा प्रयास गांव के एक व्यक्ति के द्वारा, खुद अपने खेत में इन्होंने इसको लगाए हैं और इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। कोई सरकारी इसमें इन्वेस्ट नहीं है, खुद अपने बल पे इन्होंने इस बगीचा को, इस बगान को लगाने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, जैसा कि देख रहे हैं ये कटहल का पौधा है और लगाया गया है। अभी काफी बड़ा नहीं हुआ है, छोटा है। इसको चारों तरफ से घेर दिया गया है कि किसी तरह का इसमें कोई जंगली जानवर या पशु पक्षी ना आकर के इसको बर्बाद करे। बांस के खंभे के सहारे इसको खड़ा किया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे और कई तरह के पौधे वृक्ष लगाए गए हैं। एक अच्छा प्रयास, नया प्रयास, अच्छी कोशिश। उम्मीद है इस तरह के न्यूज़ टाइप और एनवायरमेंटल से जुड़ा हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते इसी तरह का आप लोग भी काम कीजिए, पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए, वृक्ष बचाइए और पर्यावरण को प्रदूषित होने से वृक्ष लगा करके पर्यावरण को बचाए, जिस तरह ये छोटा प्रयास किया गया है। चलते चलते इसी तरह के वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। यदि आप हमारी इसी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के कुछ अगले न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव टाइप वीडियो में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।
किधर गाछी चल रहा है 120 नर्सरी साफ लेकिन कोई फोटो नहीं लेता तीन गाछी के तीन तीन दिन परमिशन हां मैं एक ही जगह हूं तीन को इसके अलावा एक जगह और पेड़ पौधा लगभग 5-6 साल पहले लगाया गया था, जैसा कि आप लोग सामने में देख रहे हैं बड़े बड़े वृक्ष हैं। ये भी बगान के अंतर्गत लगाया गया था, ये दूसरे व्यक्ति का है, हमारे ही गांव का है। आप लोग देख लीजिए कितना बढ़िया है। पेड़ पौधा पे हम लोगों के गाँव के लोग काफी ध्यान दे रहे हैं। इसका उदाहरण आपके सामने कितना बड़ा है, आइए दिखाइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है।